तो फ्रेंड्स, मैं होने जा रही हूँ तैयार। 6:30 बज रहे हैं और आज मेहंदी का और संगीत का प्रोग्राम है, वहाँ जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट से तैयार हो जाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं रेडी हो गई हूँ और मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए निकलते हैं गेस्ट हाउस के लिए। तो हम लोगों ने ओला कर लिया था और इसी गेस्ट हाउस में आ गए थे जहाँ पे प्रोग्राम था। तो ये गेस्ट हाउस सिकटरा में है और चलिए अंदर दिखाते हैं आप लोग को। काफ़ी अच्छा गेस्ट हाउस था। तो यहाँ पे मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम होने वाला है और जो ऊपर का फ्लोर है वहाँ पे खाना पीना है। तो यहाँ पे स्नैक्स वगैरह भी थे, तो यहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों स्नैक्स भी थे और खाना भी था। तो मैंने तो वेज खाया था और यहाँ पे पनीर चिली पनीर और पोटली समोसे फिंगर ये सब कुछ था। और यहाँ पे हम दोनों लोग बैठे हुए हैं और इधर मेरा देवर बैठा हुआ है, इसको बहुत तेज़ की भूख लगी है तो ये फटाफट से खा रहा है और मैंने भी ले लिया था। तो ये सिर्फ मेरी प्लेट थी, वो अपना नॉन वेज स्नैक्स खाएंगे। और इधर मेरी दुर्गा पूजा में काकी लगती हैं, चाची, उनके लड़के वो यहाँ पे खड़े थे जो कि मेरे देवर का बेस्ट फ्रेंड है, इसका नाम आशु है। और ये बता रही थी कि देखो भाभी वीडियो बना रही है, वो सुन नहीं रहा था, बहुत देर बाद देखा था उसने। तो आगे आप लोग इंजॉय करिए संगीत को। यहाँ पे हैं मेरी दीदी जो कि दुर्गा पूजा की हैं और आगे अपनी काकी लोग से भी मिलाती हूँ। तो आइए दिखाते हैं, काकी लोग यहाँ आगे बैठी हुई हैं, प्रोग्राम देख रही हैं, इंजॉय कर रही हैं। दोनों मेरी काकी हैं और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूँ थम्मा को। तो बंगाली में थम्मा बोलते हैं और नॉन बंगाली में दादी। तो ये सब यहाँ बैठे हुए थे। Thank you.
तो गाइस आधे लोग यहाँ पर खाना खा रहे थे लेकिन खा करके उड़ गए थे। हम लोग भी खा रहे हैं, ये बौदी खा चुकी है, बौदी की बेटी खा चुकी है, वो काकी खा रही है, वो काकी भी थोड़ा वो खा रही, मीठा खा रही, खाना खा चुकी है। तो फ्रेंड्स ये मेरे काकू और ये मेरे काकू और ये है मेरे काकू की बेटी की आज मेहंदी है। तो चलिए फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दिखाती हूँ खाने में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे रखी हुई प्लेट, अचार, सैलड और स्प्राउट, इसके बाद थे दही बड़े और दही बड़े के बाद था फ्रूट रायता, तो ये फ्रूट रायता है, और इसके बाद था पनीर, तो ये पनीर मसाला था, और इसके बाद ये मलाई कोफ्ता था, वाइट वाला मलाई कोफ्ता, एक वाइट बनता है और रेड रेड बनता है, तो ये मलाई वाइट वाला था, और ये वेज बैक बेक था, वो जो बेक नहीं किया था वेजिटेबल पिज़्ज़ा की जैसा उस तरह का था बेक, और ये मशरूम मटर की सब्जी थी। इसके बाद इधर थी दाल तड़का, और इसके बाद था राइस, तो ये पुलाव मसालेदार सब वेजिटेबल पड़ा हुआ ये राइस था, और इसके बाद था वेज मंचूरियन, और इसके बाद थी वेज चाउमीन, तो ये सब था, और उसके बाद इधर है पापड़ और रोटी नान, और इसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तो ये था मटन रोगन, ये तो ये मटन रोगन गोश्त था, और इधर था चिकन बटर चिकन, और ये था मूंग दाल हलवा, और इसके बाद था इधर ये है छेना, इसके बिना तो बंगाली की शादी एकदम अधूरी लगती है, छेना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और इसके बाद इधर आइसक्रीम और पानी था। तो ये था फ्रेंड्स पूरा, और यहाँ पे देखिए सब लोग बैठ कर के आराम से खा रहे हैं, यहाँ पे अच्छी से सुविधा करी गई थी, अच्छे से बैठे थे सब लोग, बैठ के आराम से इंजॉय कर रहे थे, काफ़ी हल्की फुल्की भीड़ थी, ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। तो आइए मिलवाते हैं आप लोग को सबसे। ब्लॉग में आपका स्वागत है, कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग के लिए? बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनाती है, और आप करिए सब्सक्राइब करिए और इनको हिट करिए। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे मेरे ब्लॉग के लिए? आपका ब्लॉग बहुत अच्छा है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाय सब लोग को गुड नाइट, फिर मिलेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग आ गए हैं घर, और मेरा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बज रहे हैं 11:30, हम लोग अभी भी घर आए क्योंकि मेरा देवर जा रहा है दिल्ली, तो उसकी ट्रेन है, इसलिए जल्दी आ गए फ्रेंड्स।
तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।